पचास हजार के ना 2 लाख के कागज बनाएगा, 1 लाख तीर ली। 50,000 लिए को 2 लाख का कागज बनाया। हाँ। कितनी वर्ष आ रही लिए को? आई 1 लाख देल छी। 1 लाख दी सके? हाँ, हफ्ते दिन में। हफ्ते दिन में 1 लाख दी सके? हाँ। 2 लाख को कागज। कागज में। कितनी आ रही लिए को ये पैसा? मैं अती लॉकडाउन में। लॉकडाउन में। हाँ। दो वर्ष पैसा। हाँ। पैसा तीर सके? हाँ। की बंद की बनेर मार्च आओ। मुदा चालू करै हे आ मार पीटै आबे गरियाब उरियाब आबे हे कह चले नहि तिरबे त चलते में 20,000 के महीना ते में हमर लसुतिहीन से सुन कह चले ई मार एक बच्चा के मार आबे चले आ श्रीमान हमरा विदेश भर खर गेन कोन देश में हुन्छ सऊदी गेन कति वय जानु भर खर गेन हे भर खर 6 महीना छोरा हो कि छोरी हो छोरा नहीं दुख कथि हेते दीदी हमरा महाजन से निमन ये है दुख हमरा हिड़े रह पैदल। हाँ बच्चा लाई कस्तो छ सन्चो छ बच्चा सन्चै छ नि बच्चा? हाँ बिरामी त भासेले छ दिनमा बिरामी छ बिरामी छ। हाँ बुखार उखार लगे छले आफुलाई कस्तो छ तपाईलाई चाहिँ? हमरा ठीक अब कति दिन बसे छ आंदोलन में इधर जत्ते दिन आ लगे दीदी तत्ते दिन हम मत करबे जाले ने हमरा सरकार अन्याय देते ताले ने हम जे लग से साउले की बनछ त आप साउले कथि कहे आप अन्याय देते तब ना हमरा के कोनो सुनवाई देते तब ना हमरा हमरा साउ को नाम के हो ढौआ के लेल छली से मुसर गुआर का की करछ गांव में सबैला सबैला है ओकर घर कथि करे ओ कथि ओ नहीं करे के ढौआ मांग पी रही ढौआ खाली ब्याज में लगाई। हां ब्याज में लगाही खाली मिट्टी रे ब्याज में लगाही अब उसको कते कते लगाई से हमरा मालूम नहीं सर मतलब हम 50,000 के 1 लाख तीर ले लिए 1 लाख के 2 लाख के कागज मना दे हमरा। अच्छा सर लेको 1 लाख 30,000 हां 1 लाख के 2 लाख को। हां तपाईले त्यो गाउँमा तपाईले मात्र उबाट पैसा लिएको कि अरूले पनि लिएको छ? अरु कोही लेले दोसर कोही लेले सर। कति जना पीडित हुनुहुन्छ तपाईको सबैलाबाट? सबैला बहुते कोही हे अखनो बरकुरबा के हमार आयल छ 5 कोही बहुते कोही आयल हे त अखन त 5 कोही आपते हे। नहीं नहीं लेल के 15 लाख मांगे ए 15 लाख मांगे बोले 15 लाख बोलू देवे तो बोलू ले बोलू नहीं मानने 12 लाख देला गेलिए घुमा दल के बोलू नहीं तो अब गरीब आदमी फार्म में लगा दिला अब कहे ने घर बनवा देवो पहले ढोवा ला बालू सब गिरेने से मतलब नहीं बनवा देवो घर बोलू अब बदला बच्चा सब छोट छोट है माटि के घर है पीड़ित भ गए लोग अत कर आप 15 लाख ला बोलू आ तब तोरा घर बनवा देबो माटि के बोलू नहीं तो नहीं बनवा देबो बेच लेबो तरे तरे बोलू अतटा बच्चा के छोड़ के सब जना आयल एक कितना बच्चा है धूप परला से सब आयल एक जना घर एक कथि कहेगा? हाँ 7 लाख के 12 लाख दिलिए तो नहीं लेबे 15 लाख साहु जी वह लिखा दिलिए इंदल है तेली इंदल है तेली साहु जी ये लिखा है तेली। हाँ 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 बोलू नहीं बनवा देव बालू गिरा ले घर नहीं बनवा देव बोलू दहा जाओ कुछ भ जाओ हम बेच ले बोलू घर नहीं बनवा देव हमारा 15 लाख चाहिए 7 लाख के बोलू 12 लाख दिले तो नहीं ले हाँ 15 लाख बोलू 3 रुपया ब्याज से एकोटा कम नहीं बोलू जब मैं जोड़ के धरू तब बालू गिराओ आ घर बनाओ नहीं तो नहीं बोलू तब लिखा दिलिए सर ला कथी कह नाम
पार्वती देवी अधिकारी आज 12 दिन को दिन काठमाडौँ आइपुग्नु भयो हैन दुख गरेर यहाँ काठमाडौँ आउनुको कारण चाहिँ के हो मिटर ब्याज छ अनि पैसा कति लिनु भएको थियो 1.5 लाख पैसा लेल छि आ त्यो 3 लाख अलि दे छि त मुता धदरके रोका कदरके पापाके सबै जमिन छले 1.5 लाख रुपैया लिनु भएको थियो कलि दिए भो त नै मानलके रोका कदरके 13 लाख रुपैया मांगु ए 1.5 लाख लिएको 13 लाख रुपैया मांगु हुन्छ हां 3 लाख दे छि त नै माने 3 लाख रुपैया दिन हेरि चाहिँ हुँदैन भनेर अनि साउको नाम थमसर बिस्राक लागि तपाईँको नाम पार्वती होइन अनि यो वासुदेवी यादव भनेर सर हो पार्वती थोरै इधर से थोरै थोरै यहाँ पर घुमे आवास पास 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 ल भाइ लिए छिटो छिटो अब यो वासुदेवी यादवले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त 13 लाख रुपैयाँ लिए 13 लाख रुपैयाँ लिए भन्नुहुन्छ होइन तपाईँले कति सालमा ऋण लिनुभएको कहाँ सर भेल 1.5 वर्ष मात्रै भेल 1.5 वर्षमा मतलब हम ओहिके बाद मतलब दिइवला छली बहिना तिना सबै त दलकै उ रोका जाके कऽ दलकै घरारी अब तपाईँ त यो अदालतै जानु भएको रहेछ हँ सर सब कहलके त मेरो एना एना होतो त जाइ पर्थ्यो त कहिले जैबे त पैदले बुवा अर्के लके अब के थाहा सर यो कति गर्दै नै गर्दै अब देख चाहि जनताके मारे है कि जिया है से कि पता जस्तो अहिले तपाईँहरू यहाँ जतिजना आउनु भएको छ नि यो चाहिँ तपाईँहरू सबैको भेट चाहिँ कसरी भयो यो सबैजना जसरी अहिले काठमाडौँ आउनु भएको छ नि तपाईँहरू चाहिँ यो योजनाबद्ध रूपमा आउनुभएको हो कि अब कुनै सङ्घ संस्थाले तपाईँहरूले ल्याएको छ कि कसरी आउनु भएको छ यहाँ दाजु सब लगे अहिले सङ्घ संस्था मार्फत आउनुभयो तपाईँहरूले जस्तो अब 11-12 दिनसम्म त बाटोमा बस्नु पऱ्यो होला खानु पऱ्यो होला त्यो खर्च चाहिँ कसले बिहोर्यो ऊ दाजु सब दही दाजु सब दही है मनोज दाजु मनोज दाजुले बिहोर्नु हुन्छ ए भनेपछि तपाईँहरू विभिन्न जिल्लाको मान्छेहरू चाहिँ कहाँ भेट भएर आउनुभयो त अब क्यान दाजु सब छले ओनी भर जे सिरे जिला में ना तो ओकरे सब के संग करल के त मतलब हमरा सब ले पठा देल के एकरा सब के रामसार के नंबर दे दूटा कागज छ सर आर त 15 लाख के त घरी ने ने कागज दे छ सर 36 लाख रुपया दे क 36 लाख रुपया दे क अखन देली ने हमर जगह घुरा रहल छे और 25-30 लाख मांगे है हम रोड पर बुवाई छे सर घर द्वार सब लीलाम भए गेल है हाथमे भेलै सर कथी कहै छै रास्तामे चप्पल पिन्ने रहियै ने चप्पल पिन्ने रहियै ने चप्पल तिलैके गेलै कि खसलियै तऽ ओ चोट लगल छै कि तब 12 दिन लगा हम लोग सरकारके हम लोग अन्याय माँग छौ हामीहरू जति जना आएको छ हामीहरूको अन्याय मिल्ना चाहियो अर के गर्ने सबैको वही सबैको वही हाल हो सर बिरामीहरू भयो भने बाटोमा के भयो अब के गर्ने अपना अपना थोरै थोरै पैसा छ त ऊ किनक अपना दबाई दुबाई गरक या के गर्ने मिटर ब्याजीका हामी घुसखोरलाई पक्राउने हामीहरूको जमिन वापस गराइदिनु सरकारले उही बोल्छु यहीँ मर्छु हामीहरू जाँदैन हामीहरू घुमकर यहीँ सिंहदरबारका गाडी मर्छु हामीहरू हामीहरू प्रधानमन्त्रीले चाहन्छु हामीहरूको जमिन वापस गराइदिनु घुसखोरले अरू के गर्ने हामीहरू यहीँ मर्छु जाँदैन सिंहदरबारका गाडी मर्छु हामीहरू घर जा के गर्ने घर छैन सबै लुटिसक्यो ठकी मारिसक्यो त
हमीर की करने जाए घर यही मरछुन त मेरो नाम विनोद मंडल रामदेव साल है मेरो 17 कठा जगह 10 लाख में 10 लाख 36 लाख हम बुझा सको 20 लाख का कागज बनाई सको आ वो बोल हमीर तो दृष्टि बंधन गरियो तपाई को जगह छेन आ इंडिया भागी सको ये सप्तरी में छेन भागी सको रामदेव साहू संग 4,86,000 लिए ऋण अनि 4,86,000 अनि 24,86,000 बुझाई दिए तर तैपनि मेरो मतलब जगह मतलब फिर्ता गरेको छैन न कागज फिर्ता गरेको छ कपाली सत्रह जना हामीहरुको मतलब बुझ मुद्दा पनि छ तर मेरो नाम बच्चालाल शाह खरक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सप्तरी वहाँ तो के 75 जना मतलब हमको मतलब मांग जो तो पूरा कर दिन ते हो जगह फिर्ता कराइदिन ये मर्छ जबसम्म फिर्ता हुँदैन गराउँदैन सक्दैन तबसम्म हामीहरु जान्दैन सक्दैन अलिअलि छ जग्गा नौजनाको त्यो हाम्रो मतलब जुन त्यो नियम कानुन बनाइदिनु अनि हामीहरूको जग्गामा फिर्ता गराइदिनु पैसा दिइसकेको छु अझै लाग्छ भने अझै दिन्छु तपाईँहरू मतलब ऊ गरिदिनुहोस् लाउँछु लाउँछु पुरा कुरा लेखेर त्यो पहल गरेको छैन त्यस मान्छेलाई डी सरले फोन गरिदियो यसलाई मान्छेलाई झेकाउनुहोस् 8 गतेमा चैत 8 गतेमा यो उसलाई सुनवाई गरेन डी सरले सुनवाई गरेन यो कुदा मुद्दा चल्दै छ यो काम हेर्दैन म कसरी कानुन बनाउने नखाएको ऋण तिर्न लाज लाग्दैन दिदी बहिनी सबैलाई हजुर गर्छु मेरो नखाएको पनि जेल जरी बनाए है मर्छु फिर्छु त्रिशुल पनि नदिए मान्छेले मरेर डुगेर मरे तयार छु म यो कानुन कस्तो मेरो हाल मेरो 54-55 45 उमेर भए पनि यस्तै दुःख काट्छ मेरो छोराछोरीले कसरी दुःख पीडा गर्छ त्यो मेरो अन्यायको न्यायको नखाएपछि ऋण तिर्नु पर्यो मेरो सहँदैन म 10 क्लास मारे परे पछि मेरो कस्तो कुरा भयो भने मेरो चिन्तितमा छु आँखाले पनि यो कुरा सोचेर म पढ्न यो बिसराइसकेको छ म सप्तरीको मान्छे हो पैदल यात्रा गर्दै गर्दै खुट्टा भाँचिन सकेको छ मेरो के जीवन पनि बर्बाद भइसकेको छ अब के भयो भने न्यायको महसुस हुन्छ तपाईँलाई अब के न्याय दिनु मेरो त्यही आधा त्यो सर्वोच्चमा 4 गतेको फैसला के गर्छ मेरो धुकधुक आवाज पशुपति बाबासँग प्रार्थना गर्छु मेरो जान जिउ जान कस्तो हुन्छ र छोराछोरीले जीवन कसरी बिताउने मेरो यही बाधा छ